नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 सितंबर शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस के अंदर देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है और वह विदेश से बैठकर एजेंडे चलाते हैं। मोदी ने यह बातें महाराष्ट्र के वर्धा में एक रैली को संबोधित करते हुए कही। वे यहां पीएम विश्वकर्मा योजना के एक साल पूरे होने के कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने स्किल मंत्रालय बनाया, पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की और एक साल में इस योजना के तहत 8 लाख लोगों को स्किल ट्रेनिंग दी गई है। पीएम मोदी ने कहा कि जिस पार्टी में हमारी आस्था और संस्कृति का सम्मान होगा वो पार्टी कभी गणपति पूजा का विरोध नहीं कर सकती, लेकिन आज की कांग्रेस को गणपति पूजा से भी नफरत है। राजस्थान में तबादलों पर लगी रोक को लेकर आगामी 25 सितंबर को निर्णय हो सकता है। ऐसी संभावना है कि आगामी 25 सितंबर को राजस्थान में कैबिनेट की बैठक होगी। पहले यह बैठक 18 सितंबर को होनी थी, लेकिन राजस्थान में राष्ट्रपति के दौरे के चलते यह बैठक स्थगित हो गई है। इसमें एक बार फिर से उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार तबादलों पर रोक हटाने संबंधी निर्णय ले सकती है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण इकाई की ओर से शुक्रवार को कार्यवाही करते हुए जलदाय विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी को 10,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि एसीबी जोधपुर ग्रामीण इकाई को परिवादी ने शिकायत दी और बताया कि उसका एसीपी का करियर बनाने और अधिक लगी वेतन वृद्धि की रिकवरी को एडजस्टमेंट करने के एवज में आरोपी सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य के अभियांत्रिकी ओसियां की ओर से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगने की परेशान कर रहा था। जेपी नड्डा के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे गए लेटर की प्रियंका गांधी ने आलोचना की। प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री की अगर बुजुर्गों का सम्मान करने में आस्था होती है तो वे खुद लेटर का जवाब देते। पीएम मोदी ने जेपी नड्डा से लेटर भिजवाकर उनका अपमान किया। यह लेटर विवाद 17 सितंबर को शुरू हुआ था, जब खड़गे ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर कहा था कि भाजपा और सहयोगी दलों के नेता लगातार राहुल गांधी के लिए बेहद आपत्तिजनक और हिंसक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दिन बाद जेपी नड्डा ने भी लेटर लिखकर जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि जिस व्यक्ति का इतिहास ही देश के प्रधानमंत्री समेत पूरे ओबीसी समुदाय को चोर कहकर गाली देता हो, उस राहुल गांधी को सही ठहराने की कोशिश आप किस मजबूरी के चलते कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 2021 विधानसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई की याचिका खारिज कर दी और उसे फटकार भी लगाई। सीबीआई ने याचिका में कहा था कि पश्चिम बंगाल की अदालतों में शत्रुतापूर्ण माहौल है। इस पर जस्टिस अभय ने सुनवाई की और कोर्ट ने सीबीआई के वकील एसवी राजू से कहा कि आप पश्चिम बंगाल में पूरी न्यायपालिका पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए सरकारी आवास की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हमें इसके लिए कानूनी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। केजरीवाल ने अपनी नैतिकता की खातिर इस्तीफा देने का फैसला किया है। वे अपने आवास से बाहर चले जाएंगे, उनके पास कोई संपत्ति नहीं है। कृषि कानूनों के खिलाफ चले संघर्ष में जान गंवाने वाले किसानों के 30 परिजनों को पंजाब सरकार ने नौकरी दी है और कृषि मंत्री गुरमीत सिंह ने सभी लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं और सारे भर्ती किए गए लोग खेती बाड़ी व किसान कल्याण विभाग में सेवा देंगे। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने भी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सियासी रण में एंट्री ले ली है। शुक्रवार को प्रतापगढ़ जिला क्रिकेट संघ के चुनाव का आयोजन हुआ। इसमें कैबिनेट मंत्री और जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और बीजेपी नेता और जिला क्रिकेट संघ के सचिव निर्वाचित हुए। इसमें भाजपा विधायक जसवंत यादव के बेटे मोहित यादव अध्यक्ष पद पर काबिज हुए। केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है, लेकिन कोटा की एक पुलिस चौकी का एएसआई डबल इंजन की भाजपा सरकार पर भारी पड़ रहा है। एक एएसआई के निलंबन की मांग को लेकर शुक्रवार को बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता को एसपी कार्यालय पर जाकर प्रदर्शन करना पड़ा। कोटा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बांसवाड़ा में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की ओर से 5वें राज्य स्तरीय जनजाति महोत्सव की शुरुआत हुई। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई और इस मौके पर स्काउट गाइड के स्टेट डायरेक्टर और पूर्व मुख्य सचिव ने राज्यपाल को स्काउट गाइड की गतिविधियों के बारे में बताया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा की तारीख को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और भर्ती परीक्षा की तारीख नजदीक आने के साथ ही आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध तेज कर दिया है। प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा में आवेदन करने वाली आरती ने बताया कि सरकार ने इस साल जनवरी में 216 पदों पर प्रोग्रामर भर्ती निकाली थी और इस भर्ती परीक्षा की तारीख 27 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। ऐसे में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए 9 महीने का वक्त दिया गया था। डिस्कॉम्स चेयरमैन में जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक सुश्री आरती डोगरा ने आमजन एवं उपभोक्ताओं की समस्याओं के प्रभावी निराकरण के लिए जयपुर शहर के अधीक्षण अभियंता कार्यालयों में हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। सुश्री डोगरा शुक्रवार को विद्युत भवन में जयपुर सिटी व जिला सर्किल के अधीक्षण अभियंताओं के साथ इस संबंध में समीक्षा कर रही थी।
बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने शहर की महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल संख्या एक का निरीक्षण किया और वहां पर मिड डे मील का फीडबैक लिया और साथ ही किताबों और पढ़ाई के बारे में बच्चों से जानकारी ली। बच्चों के साथ नीचे बैठकर मिड डे मील की गुणवत्ता भी उन्होंने जांच की। लीजेंड्स लीग क्रिकेट सीजन 3 का शुक्रवार को जोधपुर में आगाज हो गया है। शहर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में इंडियन क्रिकेट के स्टार हरभजन सिंह और इरफान पठान की टीम आमने सामने है। हरभजन मणिपाल टाइगर्स और इरफान पठान को कोणार्क सूर्यास उड़ीसा के कप्तान है। मैच के लिए सभी खिलाड़ी 2 दिन से जोधपुर में हैं और खिलाड़ियों ने नेट प्रैक्टिस की भी तैयारी शुरू की है। झालावाड़ जिला प्रशासन व जिला रोजगार कार्यालय के तत्वाधान में 25 सितंबर को प्रवीण शर्मा क्रिकेट गाइड में एक दिवसीय रोजगार सहायता शिविर आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी अजय व्यास ने बताया कि इस शिविर की तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसमें युवाओं को ट्रेनिंग, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव आदि पदों पर रोजगार प्रदान करने के लिए निजी कंपनियों की ओर से चयन किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।